सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। लोग कहते हैं कि जिसे हद से ज्यादा प्यार किया जाए वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो ये है मेरे दोस्त, जो प्यार करता है उसकी कदर कोई नहीं करता। ये मत सोचिए कि कौन कब कहाँ कितना बदल गया, बस ये सोचिए कि क्या दे गया और क्या सिखा गया। आज का पंचांग 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:36 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 8:28 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 1:48 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मेष राशि 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार, क्लब या सामाजिक कार्यक्रमों में दोस्तों की कंपनी में अधिक समय बिताने के बाद अब आपको आराम करने की जरूरत है। सेहत के लिए यह समय शानदार है। अंदरूनी या उच्च शक्ति से एक हानिकारक मार्ग को रोका जा सकता है। रिचार्ज करने के लिए कुछ अस्थायी अकेलेपन का मजा लें। आप अपने दैनिक जीवन से फुर्सत के कुछ पल निकालना चाहेंगे। काम और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करेंगे। दैनिक दिनचर्या की उदासीन भावना को दूर करने के लिए प्रयास करें। उदासी से बचने के लिए अपनी पसंद के कार्य करें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसे ही वह बन जाता है। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं, काफी समय लेने वाला अपना कोई अधूरा काम पूरा कर सकते हैं, यह कोई ऐसा काम जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं उसे शुरू कर सकते हैं। आज शाम खेल और मौज मस्ती के नाम रहेगी। अपनी नए पुराने दोस्तों के साथ समय बिताएं और मजे करें। खरीदारी में विशेष आनंद आएगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप नया सीखने के लिए काफी छोटे हैं, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। जो लोग अब तक पैसे को बेवजह खर्च करते थे, आज उन्हें समझ आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है, क्योंकि आज अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त घर आ सकते हैं। आज आप प्यार की मदहोशी महसूस कर सकते हैं। इसे महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचा कर रखें। साझेदारी की परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से ज्यादा परेशानियां देगी। कोई आपका फायदा उठा सकता है और उसे ऐसा करने देने के लिए आप खुद से ही नाराज हो सकती हैं। जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों या अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तो आपका मन खराब हो जाता है। आज भी आपकी मन स्थिति ऐसी ही रह सकती है। शादीशुदा जिंदगी के मोर्चे पर हालात वाकई थोड़े मुश्किल रहे हैं, लेकिन अब आप सुधरते हालात महसूस कर सकते हैं। इस समय परिस्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। आपको अपनी मेहनत के बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। मीडिया मार्केटिंग ऑनलाइन आदि जैसी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें। फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। टारगेट पूरा करने के लिए मेहनत बढ़ानी होगी। काम भले ही कठिन हो लेकिन सतर्कता और एकाग्रता बनाए रखें। आज किए गए काम के कारण तनाव मुक्त रहना आपके लिए संभव हो सकता है और जो बातें आपको प्रसन्नता देती है ऐसी बातें घटती हुई नजर आएगी। टारगेट भले ही छोटा हो लेकिन इसी टारगेट के कारण खुद के लिए विश्वास बना रहेगा।
नए रिलेशनशिप की शुरुआत सकारात्मक तरीके से हो सकती है। सावधानियां, अपने ऊपर भरोसा रखें, दूसरों की बातों में आकर नुकसान ही होगा। वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें वरना संबंध खराब हो सकते हैं। किसी भी तरह के लेन देन करने के लिए अभी समय पक्ष में नहीं है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। यह समय है अपने ड्रीम को पूरा करने का। प्रेम के मामलों में आप बहुत गंभीर हैं और भविष्य में अपने गुणों के कारण आपका पार्टनर आप पर अधिक विश्वास करेगा। आज किन्हीं कारणों से जेल या अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें। आज खुद को खुश रखने की भरपूर कोशिश करें क्योंकि व्यस्तता के कारण आपका उत्साह कम हो जाता है। खुद और अपने पार्टनर के लिए दिल को खुशनुमा बनाएं, इससे आपका रोमांटिक रिश्ता और भी अनोखा बनेगा। किसी के प्रति आकर्षित हैं तो अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए आज का समय सबसे शुभ है। आपके रिश्ते में हाल फिलहाल काफी उलझने रही है और आप अपने पार्टनर के इशारे या जो वह आपको समझाना चाह रहे हैं वह नहीं समझ पाए हैं। अच्छा, आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आप इसके आधार पर कोई निर्णात्मक कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी शांति बनाए रखें। बात करते हैं करियर की। आपने हाल फिलहाल इसीलिए धन खोया क्योंकि आपने अविवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसा देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाए। इस तरह के और परियोजनाएं आपके समक्ष आएगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है अन्यथा आप वित्तीय परेशानी में फंस सकते हैं। आपको अपनी निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है। पर आपकी आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं चमकती हुई चीज की तरफ भाग पड़ते हैं, जो कि आपको छोड़नी है। आज आपका दिन अलग ही स्तर पर है जहां आप सब कुछ भूलकर अपनी रहस्यमय दुनिया में मग्न हैं। किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए शारीरिक संयम बनाए रखें। अपने नए उत्पाद के लिए नए विचारों की तलाश करें, इनके लिए इंटरनेट एक बेहतरीन स्रोत है। रोज की दिनचर्या आपको बोर कर रही है, इसीलिए कुछ समय निकालकर अपनी पसंद के कार्य करें। अपने कार्यस्थल पर आपको हमेशा की तरह ही प्रशंसा मिलेगी और तरक्की की भी संभावना है। यह दिन आपके लिए निराशाजनक सिद्ध हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें। याद रखें कि कल्पनाओं के बिना हम संभावनाओं के उत्साह को खो सकते हैं। बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपनी काबिलियत दिखाने का भी मौका मिलेगा। नौकरी पेशे लोग काम पर ज्यादा ध्यान दें, फाइल वर्क में गलती होने की आशंका है। बात करते हैं सेहत की। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधित परियोजना पर काम कर रही हैं या इसी के बारे में कुछ नया शुरू करने की सोच रही हैं, तो आपको उम्मीद से कहीं जल्दी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें और कुछ अलग होने पर समाधान तैयार रखें। आपको इन सब प्रयासों के लिए भी प्रशंसा मिलेगी। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप अपना गुस्सा भोजन पर बिल्कुल ना निकालें, पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।